दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक सैनी और आप देख रहे हैं ज्ञान फॉर मेड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएमसी या फिर स्टेट मेडिकल काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एफएमसी एग्जाम पास करने के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एफएमसी एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको कुछ दिन इंतजार करना है जब तक कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो जाता है। पासिंग सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपका पासिंग सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि हमें एनबी ऑफिस जाकर लेना होता है। इसके बाद हमें डीएमसी दिल्ली मेडिकल काउंसलिंग की साइट ओपन करनी है और वहां पर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि दिल्ली में डीएमसी है, ऐसे ही राजस्थान में आरएमसी होता है, महाराष्ट्र में एमएमसी होता है। यहाँ तक का प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना है, इसके बाद का प्रोसेस ऑफलाइन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं डीएमसी अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अपलोड करनी होती है। वो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार है: कॉपी ऑफ मार्कशीट 10th क्लास, कॉपी ऑफ मार्कशीट 12th क्लास, ग्रेजुएशन डिग्री विद ट्रांसलेशन, और ये वही डिग्री होनी चाहिए जिसके ऊपर एमबीसी की स्टैंप लगी होती है, पासपोर्ट, एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट, ये पासिंग सर्टिफिकेट वही है जो आपको एनबी ऑफिस से प्राप्त हुआ है, कुछ फोटोग्राफ लेके जाने हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है इन फेवर ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग, जो भी आपकी स्टेट मेडिकल काउंसलिंग है ये वो मेंशन कर देते हैं साइट पे ही कितने रुपए का बनाना है, और एक 10 रुपए के एफिडेविट बनवाना है जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है और क्लेम करना है कि आप पास हो गए हैं। उसका जो फॉर्मेट होता है पूरा का पूरा आपको स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की साइट पे मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पूरा फॉर्मेट डाल दूं। तो दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की साइट पे अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपको डीएमसी को एक मेल लिखना होता है जिसमें आपको लिखना है कि मेरी ये केस आईडी है, जो भी आपकी केस आईडी होती है, और मैंने अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, कृपया मुझे डेट प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, ऐसा हमें एक मेल करना होता है। और जैसे ही ये ईमेल डीएमसी को प्राप्त होता है तो वो ईमेल के थ्रू आपको एक डेट प्रोवाइड करा देते हैं। और जब आपको एक डेट प्रोवाइड कराई दी जाती है तो आपको उसी सेम डेट को अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ डीएमसी ऑफिस जाना होता है, और आपको अभी अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 3-3 फोटोकॉपी लेके जानी है, कम से कम 3-3 फोटोकॉपी साथ में लेके जानी होती है। वहां पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करके फोटोकॉपी को सबमिट कर लिया जाता है और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको वापस कर देते हैं, और वहां से आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट या फिर हम कह सकते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस, बिकॉज स्टेट मेडिकल काउंसलिंग आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो स्टेट मेडिकल काउंसलिंग आपको एक ईमेल भेजती है जिसमें दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके अपना डीएमसी रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस तरह का दिखाई देता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की साइट पर लिस्टेड मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन दोस्तों के इंटर्नशिप कंप्लीट हैं वे जेआरसी या फिर जॉब के लिए दिल्ली के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।